नाउ अगेन आई एम वेलकमिंग यू इन दीरिज ऑफ एटमिक स्ट्रक्चर एंड दिस इज पार्ट सिक्स तो ये एटमिक स्ट्रक्चर की जो सीरीज चल रही है लेक्चर की उसका ये पार्ट सिक्स है और इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट रेडियल एंगुलर वेव फंक्शन रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि रेडियल वेव फंक्शन क्या होता है एंगुलर वेव फंक्शन क्या होता है इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी वेव इक्वेशन वाले लेक्चर में जो कि पार्ट फाइव था उस पार्ट फाइव में ऑलरेडी वी डिस्कस सो आई विल अगेन रिमाइंड यू अबाउट द रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन मैं फिर से आपको याद दिलाऊंगी कि रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन क्या है और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या है और कैसे बनते हैं तो उसको एक्सप्लेन करेंगे हम इस लेक्चर में हम समझेंगे कि रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन क्या है अब देखिए आपने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ी थी इससे पहले लेक्चर में और वहां पर आपने देखा था कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं तो जब हम उसे पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करते हैं देन हम उस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की हेल्प से क्वांटम नंबर्स को भी जनरेट कर सकते हैं और वो तीन क्वांटम नंबर है जो कि एन है एल है और एम है इन क्वांटम नंबर्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं तो आपने देखा कि वहां पर जब पोलर कोऑर्डिनेट्स पर बेस्ड श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है तो वहां पर आपने दो वेव फंक्शन देखे थे ना इस साई नहीं देखा था आपने तो आपने देखा था एक तो r होता है और एक a होता है तो r जो है उसको हम कहते हैं रेडियल वेव फंक्शन सो so, दिस r इज नोन एज रेडियल वेव फंक्शन एंड इट विल गिव अबाउट अ आइडिया अबाउट द रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन तो ये आइडिया देता है कि इलेक्ट्रॉन्स की पाए जाने की संभावना क्या है एक पर्टिकुलर दूरी पर तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज अ फंक्शन ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड डिपेंड अपॉन वैल्यूज ऑफ एन एन एल तो ये जो रेडियो वे फंक्शन होता है ये क्या है एक्चुअली ये बताता है अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिस्टेंस के साथ कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस और ये जो रेडियल वेव फंक्शन है डिपेंड्स अपॉन वैल्यूज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर और अगर हमें ये जो रेडियल वेव फंक्शन है इट गिव्स अबाउट एन आइडिया ऑफ साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम तो ये साइज ऑफ एटम के बारे में जानकारी देता है एक्चुअली ऑर्बिटल के बारे में जिस ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन है उसके साइज के बारे में जानकारी देता है अगर हम एक को देखेंगे जिसको हम एंगुलर वेव फंक्शन कहते हैं और ये दो वैल्यूज पर डिपेंड करता है एक एल के ऊपर और एक एम के ऊपर तो ये मेन जो क्वांटम नंबर है एजिमुथल क्वांटम नंबर एंड दिस इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो की ये बताएंगे की इस पर्टिकुलर ऑर्बिटल का शेप क्या होगा क्यूँकी अगर एल वैल्यू पता होगी तो हम बता सकते हैं आसानी से की उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल uh, का शेप कैसा होगा तो ये दो वेव फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है विच आर ड्राइव फ्रॉम शोड इंग इज रेडियल वेव फंक्शन एंड अनदर इज एंगुलर वेव फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एज फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्स अबाउट द रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन काउस अब हमें पता चल गया है की एक जो होता है वो होता है रेडियल वेब फंक्शन रेडियल वेव फंक्शन जो होता है वो जानकारी देता है की कि किस डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन की संभावना कितनी है डिस्टेंस के साथ तो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन का उसके होते हैं दीज आर प्लॉट्स बिटवीन आर दिस इज द रेडियल वेव फंक्शन एंड आर दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस तो जैसे जैसे हम जो आप देखेंगे अगर वन एस टू एस एंड थ्री एस के लिए ये जो वेव फंक्शन है इट इज प्रपोर्शनल टू द एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस वैली तो आप देख सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में रिलेटेड है जो डिस्टेंस है वो किस आप देखेंगे एन एन एक्चुअल क्वांटम नंबर है वो देखिए कैसे ये को रिलेटेड एन आर कैसे को रिलेटेड है तो आप ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे आर देखिए आर बढ़ेगी वैसे वैसे आर की वैल्यू क्या होगी कम होगी देखिए आर बढ़ रही है सॉरी कैपिटल आर मींस रेडियल वेव फंक्शन इंक्रीज हो रहा है तो आर की वैल्यू क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है ओके okay? तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है ये है फॉर वन एस ऑफ हाइड्रोजन एटम तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्यू टू दिस रिलेशनशिप इन केस ऑफ वन एस ऑर्बिटल ये जो रेडियल वेव फंक्शन है कि जैसे जैसे रेडियस बढ़ाएंगे ये क्या होगा कम होता जाएगा तो इस तरीके का कर्व हमें मिलेगा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है ये 2s ऑर्बिटल के लिए है और यहां पर आप देखेंगे कि ये जो r की वैल्यू रेडियल वेव फंक्शन है जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है देखिए डिक्रीज हो रही है बट एट अ सर्टेन पॉइंट इट बिकम जीरो एंड उसके बाद आप देखेंगे इट अटेन अ मिनिमम वैल्यू एंड देन अगेन इंक्रीजेज तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है ये टू एस एटम के लिए जो आर और स्मॉल आर के बीच में प्लॉट किया गया है तो यहां पर आप देख रहे हैं एक जगह पर वैल्यू क्या हो रही है जीरो तो यह जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना जीरो है उसको नोड कहते हैं सो दिस नोड तो आप देख रहे हैं कि टू एस ऑर्बिटल की रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में आप देखेंगे एक नोड प्रेजेंट है रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कव ऑफ थ्री एस ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि एक 3s ऑर्बिटल अगर होगा तो इसके केस में रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन का वो कैसे होगा देखिए आर की वैल्यू जो जो रेडियल वेव फंक्शन है डिक्रीजेस एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस अटेन जीरो वैल्यू देन मिनिमम देन मैक्सिमम एंड देन अगेन इट इंक्रीजेस टूवर्स द पॉजिटिव साइड एंड अटेन अ मैक्सिमम देन इट डिक्रीजेस तो आप यहां पर देखेंगे कि जैसे जैसे रेडियस आर जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन की फ्रॉम द न्यूक्लियस जो डिस्टेंस अगर हम बढ़ाएंगे तो आप देखिए रेडियल पार्ट की ओर सो अगेन यू विल गेट अनदर नोट तो एक दो नोट यहां पर होंगी जहां पर आप देखेंगे कि ये जो आर की वैल्यू है जीरो है देन इट अगेन टेन मैक्म देन इट अगेन डिक्रीजेस Distribution curve for 3s orbital. See the radial distribution curve of 2p orbital. Then we will find that as the द वैल्यू ऑफ दिस आर द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेस देन दे आर वैल्यू ऑल्सो इंक्रीज एन दे अटेन अ मैक्सिमम देन अगेन डिक्रीजेस तो यहां पर क्या होगा इनकेस ऑफ टू पी ऑर्बिटल जैसे जैसे डिस्टेंस को बढ़ाएंगे आर की वैल्यू इंक्रीज होगी और ये सबसे अधिक होगी एक पर्टिकुलर पोजिशन पर पर्टिकुलर रेडियस uh, पर डिस्टेंस uh, पर देन इन अगेन डिक्रीजेस फिर से यह क्या होने लगी कम होने लगेगी सो दिस इज द रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कव फॉर टू पी ऑर्बिटल रेडियल प्रोबेबिलिटी, दिस दिस रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन का आप देखेंगे कि आर जो है वो देखिए पहले इंक्रीज हो रही है देन मैक्सिमम अटेन कर रही है देन ये जीरो हो रही है देन इट इट कम्स टू द नेगेटिव पार्ट नेगेटिव साइड की ओर एक मिनिमम आएगा देन इट अगेन इंक्रीजेस तो आप इस तरीके से देखेंगे एक बार इसकी वैल्यू क्या होगी जीरो होगी तो यहाँ पर क्या मिलेगा नोड मिलेगा तो नोडल इसको नोड कहते हैं जहाँ पर ये जो रेडियल जो वेव फंक्शन है इसकी वैल्यू जहाँ पर जीरो है उसको नोड कहते हैं ल डिस्कस अबाउट द रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व तो इससे पहले जो हमने कव्स पढ़े वो थे रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व अब हम पढ़ेंगे रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एंड यू विल सी दैट वट इज द डिफरेंस बिटवीन रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्वस एंड रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ओके तो आप ये देखेंगे कि किस तरीके से रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कॉ रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कॉव से डिफरेंट है तो आपने देखा कि रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कॉव जो थे जहां पर रेडियल वेव फंक्शन और आर के बीच में ग्राफ खींचा गया था तो वहां पर आपने देखा कि कुछ नेगेटिव वैल्यूज भी आ रही थी कुछ ग्राफ्स जो हैं आपने देखे प्लॉट्स जो वो नेगेटिव साइड में जा रहे थे इसलिए आ, आर जो है रेडियल वेव फंक्शन उसका यर लेकर प्लॉट किया जाए तो क्या होगा नेगेटिव वैल्यू जो है वो अवॉइड की जा सकती है इसलिए आपने देखा था कि साई si स्क्वायर की इंपॉर्टेंस थी तो साई स्क्वायर मींस वेव फंक्शन एंड दिस इज द रेडियल वेव फंक्शन तो जो आर है आपने देखा इसकी वैल्यू नेगेटिव भी थी लेकिन अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो उसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं है इसलिए रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कव जो ड्रॉ किए जाते हैं वो आर स्क्वायर के जो प्लॉटिंग है वो आर के साथ की जाती है तो वहां से हमें केवल पॉजिटिव टाइप के कर्व ही मिलते हैं ओके अब आप देखिए कि हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो आर देखिए यहाँ पर मैंने दो सर्कल बनाए हुए हैं जो कि कंसेंट्रिक स्फ़ेरिकल सेल्स हैं तो यहाँ पर अगर हम माने कि ये जो एक पतली सी डिस्टेंस है जो कंसेंट्रिक जो दो स्पेयर स्फेयर है इनके बीच का जो जो डिफरेंस है मान लीजिए ये डिस्टेंस है डी आर बहुत स्मॉल डिस्टेंस है एक एटम के अंदर अगर हम सोचें तो ये वो पोर्शन है जहां पर हम चाह रहे हैं पता करना कि इस जगह पर इलेक्ट्रॉन्स की पाए जाने की संभावना कितनी होगी सो सो वी वी वांट टू फाइंड दी दी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस स्मॉल एरिया ओके okay, तो इसी स्मॉल एरिया की जो जो डिस्टेंस है वो क्या है जो इसकी विथ है वो क्या है डी आर ओके और अगर इस स्पेयर का हम वॉल्यूम निकालना चाहे तो क्या होगा इसकी जो अंदर वाला जो सर्किल है जो स्पेयर है उसकी रेडियस आर है जो बाहर वाला है उसकी आर प्लस डी आर है ओके okay? तो अगर हम इस स्मॉल वॉल्यूम का क्या निकालना चाहे वॉल्यूम तो क्या हो जाएगा फोर पाई आर स्क्वायर डी आर Okay. तो ये तो है वॉल्यूम और अगर हम इस वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दें आर स्क्वायर से वेव फंक्शन के स्क्वायर से स्क्वायर से तो देन वी विल गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन तब हमें क्या मिलेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन तो इसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं अगर हम वेव फंक्शन का स्क्वायर करें और उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स की पाए जाने की संभावना किस डिस्टेंस पर सबसे अधिक है प्लॉट को देख सकते हैं ये प्लॉट है देखिए ये आ, आप देखेंगे प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स की पाए जाने की संभावना इसकी जो आ, जो प्लॉटिंग है वो हम डिस्टेंस के साथ करते हैं तो इस प्लॉट को हम कहते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व और आप देखेंगे कि ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से डिफरेंट है ये हमेशा पॉजिटिव होगा तो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ वन एस देखिए ये पॉजिटिव साइड में ओके okay? ज द रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मैगजिम देन अगेन डीक्रीजेज यहाँ पर आप देखिए देखे, तो एक जगह पर इसकी वैल्यू क्या होती है जीरो सो दिस इज नोट बट इफ यू कंपेयर दिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का विद्रीब्यूशन का देन यू विल फाइंड दैट देयर इज द नेगेटिव वैल्यू आप देख सकते हैं यहां पर नेगेटिव वैल्यू थी जबकि कि यहां पर जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है क्योंकि हमने जो आर है जो वेव फंक्शन है उसका क्या लिया है स्क्वायर लिया है ओके तो यहां पर आपने देखा एक नोड है और दो जगहें ऐसी हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की पाए जाने की संभावना क्या होगी अधिक होगी तो यह आप देखिए न्यूक्लियस यहां पर न्यूक्लियस है यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की पाए जाने की संभावना जीरो है जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर गए तो ये मैक्सिमम हुई फिर डिक्रीज हुई फिर इंक्रीज हुई फिर डिक्रीज होनी शुरू हुई तो यहाँ पर मैं ऐसे समझा सकती हूँ कि देख लिए मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ओके अब इस न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर जाएंगे ओके अब जैसे जैसे दूर जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स की जो संभावना है पाए जाने की वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में सबसे ज्यादा होगी तो वो डिस्टेंस ये है मान लीजिए जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की पाए जाने की संभावना सबसे अधिक है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ओके अब आगे चलेंगे तो एक पर्टिकुलर और जगह आएगी जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की पाए जाने की संभावना फिर से मैक्सिमम हो जाएगी तो ये जगह मैक्सिमम जगह कौन सी है ये जगह तो इसका मतलब है कि यहां पर आप कह सकते हैं कि ये एक मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी एक पर्टिकुलर जगह पर आएगी न्यूक्लियस से दूर और उससे आगे अगर हम चलेंगे तो एक ऐसी और जगह आएगी जहां पर इसको इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होगी हो और इनके बीच में जो एरिया है ये इसको हम कहते हैं नोट ये क्या कहलाती है नोट और यहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना क्या होती है जीरो होती है दिस इज द रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पर आप देखेंगे कि एक मैक्सिमा है दूसरा मैक्सिमा है, है तो आप ये कह सकते हैं कि तीन ऐसे इसमें जगह हैं, डिस्टेंस है जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं ये न्यूक्लियस है तो इसमें जो जो इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना यहाँ पर अधिक हो सकती है दूसरी पोजिशन और तीसरी पोजिशन तो आप ये कह सकते हैं कि अगर हम थ्री एस ऑर्बिटल को देखें कुछ इस तरीके से होगा कि इसमें दो नोड होंगी वन नोड एंड सेकेंड नोड जो कि व्हाइट कलर से दिखाया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जहां पर वैल्यू जीरो है ये दो जगह है इसको हम कहेंगे कि यहाँ पर दो नोड प्रेजेंट है अब अगर आप रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कॉफ टू पी ऑर्बिटल का देखेंगे अगेन यू विल फाइंड वन मैक्सिमा एक मैक्सिमा दिखेगा और फिर ये वैल्यू क्या होगी डिक्रीज होगी अब इन केस ऑफ थ्री पी ऑर्बिटल आप पाएंगे कि दो मैक्सिमा यहां पर होंगे तो दो जगह ऐसी होंगी जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो सबसे अधिक होगी नाउ दिस इज द रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन थ्री डी ऑर्बिटल एंड यू विल फाइंड ओनली वन मैक्सिमा सो दैट वी कैन से दैट देयर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स एट वन पर्टिकुलर डिस्टेंस इन केस ऑफ थ्री डी ऑर्बिटल और ये जो ऑर्बिटल्स हैं कुछ इस तरीके से हम दिखा सकते हैं कि जो वन एस ऑर्बिटल है देखिए यहाँ पर एक भी नोड नहीं है जो टू एस ऑर्बिटल है वहां पर आप देखेंगे एक नोड प्रेजेंट है थ्री एस ऑर्बिटल कुछ इस तरीके का इसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है और फोर एस में कुछ इस तरीके का ये जो ऑर्बिटल है टू देन दिस इज थ्री पी एंड इज फोर पी एंड सो ऑन इस तरीके से हम यहां पर भी देख सकते हैं देखिए जो व्हाइट कलर से है वो एक नोड है और जो डार्क रेड कलर से है, वो दो ऐसे जोन है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की पाए जाने की संभावना सबसे अधिक है सो दिस इज द टू एस ऑर्बिटल ये एक कंपेरिटिव रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का बनाया है 3s, 3p एंड 3d का तो आप यहां पर देखेंगे जैसे जैसे आप देखिए l की वैल्यू बढ़ रही है 3d ऑर्बिटल है तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स की पाए जाने की संभावना है वो वाली डिस्टेंस देखिए कम होती जा रही है ये इधर है मैक्सिमा देन थ्री पी थ्री पी में जो है वो थोड़ा दूर है इलेक्ट्रॉन और थ्री एस में इलेक्ट्रॉन्स और दूर है न्यूक्लियस से तो जैसे जैसे आप देखेंगे एल की वैल्यू बढ़ रही है जो आर है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की पाए जाने की संभावना सबसे अधिक है वो क्या हो रही है बढ़ती जा रही है और आप देखेंगे जो थ्री डी ऑर्बिटल है उसमें केवल एक पीक आपको दिखाई देगी जो थ्री पी ऑर्बिटल है उसमें आपको दो पीक दिखाई देंगी और जो थ्री एस ऑर्बिटल है उसमें आपको थ्री पीक दिखाई देंगी तो जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे जैसे आप कहेंगे कि जो एल की वैल्यू कम हो रही है तो नंबर ऑफ पीक्स बढ़ रही है सेम एन वैल्यू पर ओके okay? और जैसे जैसे जो एल की वैल्यू बढ़ रही है तो आर जो डिस्टेंस है वो क्या हो रही है कम हो रही है तो ये जिस टाइम बता सकते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कव का अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि नंबर ऑफ पीक्स आपको कैसे याद होगी तो इसके लिए सिंपल एक फॉर्मूले से हम याद करेंगे तो अगर हमें ऑर्बिटल पता है तो हम बता सकते हैं कि अगर एन में से हम एल को मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में से अगर एजी मुथल क्वांटम नंबर को माइनस करेंगे तो हमें नंबर ऑफ पीक्स मिल जाएंगी और अगर हम इस एन माइनस एल में से माइनस वन करेंगे देन वी विल गेट द नंबर ऑफ नोट्स तो बहुत आसानी से वी कैन रिमेम्बर दल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन काउ्स नाउ अगेन आई एम शोइंग यू दी रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कव ऑफ वन एस तो देखिए वन एस वन एस के लिए एन की वैल्यू कितनी है वन और एल uh, की वैल्यू कितनी है जीरो क्योंकि ये क्या ऑर्बिटल है एस ऑर्बिटल तो अगर हम पीक्स को काउंट करना चाहें तो पीक्स क्या होंगी एन माइनस एल तो ये क्या हो जाएगी वन माइनस जीरो और अगर मैं नोट्स को काउंट करना चाहूँ तो कितनी नोट्स होंगी एन माइनस एल माइनस वन तो ये कितनी हो जाएंगी नोट uh, कितनी हो जाएंगी जीरो क्योंकि जो इसमें एन माइनस एल माइनस वन तो नोड कितनी हो जाएंगी जीरो तो इस फिगर में आप देख रहे हैं कोई भी यहां पर नोड नहीं है तो इसका मतलब वन एस ऑर्बिटल अगर होगा तो केवल एक पीक होगी कोई भी नोड नहीं होगी अब अगर मैं टू एस ऑर्बिटल की बात करूं तो टू एस ऑर्बिटल में एन कितना है टू ओके एल कितना है जीरो तो आ, पीक्स कितनी होंगी नंबर ऑफ पीक्स कितनी होंगी नंबर ऑफ पीक्स आर एन माइनस एल टू देखी दे रहा टू पीक दो पीक्स हैं और जो नोट्स हैं वो कितनी होंगी एन माइनस एल माइनस वन वन होगी अगर मैं पीक में से वन घटा दूं तो यानी एक क्या होगी यहां पर नोट होगी इसी तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं थ्री एस ऑर्बिटल के लिए और अगर थ्री एस ऑर्बिटल को देखेंगे तो एन इज इक्वल टू कितना है थ्री एंड एल इज इक्वल टू कितना है जीरो सो नंबर ऑफ पीक्स कितनी होंगी पीक्स इज इक्वल टू एन माइनस एल थ्री सो वन टू थ्री देर आर थ्री पीक्स एंड इस पीक में से अगर हम माइनस वन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएंगी नोट्स मिल जाएंगी और नोट्स कितनी होंगी टू सो देर आर टू नोट ये क्या है दो नोट्स हैं तो इस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर हमें ऑर्बिटल पता होगा तो वी कैन इजीली मेक दॉपेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कव एंड दैट कैन बी ड्रॉन इन बिटवीन फोर पाई आर स्क्वायर डी आर एंड आर स्क्वायर वर्सेज आर नाव वी विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ पीक्स एंड नंबर ऑफ नोट फॉर टू पी ऑर्बिटल सो टू पी ऑर्बिटल मींस एन इज इक्वल टू टू एंड एल इज इक्वल टू वन बिकॉज दिस इज पी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू कितनी आएगी वन आएगी सो so पीक्स कितनी आएंगी एन माइनस एल इज इक्वल टू वन तो कितनी पीक है वन पीक और कोई नोड नहीं है क्योंकि नोड में अगर हम वन से वन माइनस करेंगे तो कोई भी नोड नहीं आएगी अब देखिए थ्री पी ऑर्बिटल थ्री पी ऑर्बिटल के एन कितना है थ्री है एल कितना है वन है तो पीक्स कितनी आएंगी टू आएंगी तो ये देखिए टू पीक्स है और नोट कितनी आएंगी टू माइनस वन इज इक्वल टू वन सो नंबर ऑफ नोट्स कितनी होंगी वन होगी सो देयर इज वन नोट इन द्री पी ऑर्बिटल तो आप क्या करिए इसको बनाने के लिए आप थ्री पी ऑर्बिटल को रखिए देन यू विल कैलकुलेट दी नंबर ऑफ पीक्स कितनी होंगी थ्री माइनस वन टू पीक एक छोट एक जल्दी आ जाएगा नजदीक छोटी पीक है और एक आप देख रहे हैं बड़ी पीक है तो यहां पर थ्री पी ऑर्बिटल के लिए दो पीक्स होंगी एंड देन नंबर ऑफ नोट्स एक होगी तो एक जो है ऐसी पोजीशन होगी जहां पर रेडियल वेव फंक्शन का जो वैल्यू है वो क्या होगा जीरो होगा तो इस तरीके से हम आसानी से रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स ड्रॉ कर सकते हैं अगेन आई एम समराइजिंग दिस लेक्चर मैं इसको समराइज कर रही हूँ आपने देखा कि रेडियल वेव फंक्शन जो है वो साइज बताता है पर्टिकुलर ऑर्बिटल का और जो एंगुलर वेव फंक्शन है वो शेप के बारे में बताता है ये दो क्वांटम uh, नंबर से रिलेटेड है एल एंड एम से जबकि रेडियल वेव फंक्शन रिलेटेड है एन एंड एल से फिर आपने पढ़ा रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपने देखा डिफरेंस बिटवीन रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एंड रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो ड्रॉ किए जाते हैं आर एंड आर यानी रेडियल वेव फंक्शन एंड आर के बीच में और जो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है दे आर ड्रॉन इन बिटवीन आर स्क्वायर वर्सेज आर तो इससे क्या होगा जो नेगेटिव वैल्यूज आ रही थी अभी आपको मैं दिखाऊं जो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में जो नेगेटिव वैल्यू आ रही थी उनको अवॉइड करने के लिए जो कर्व है वो आर स्क्वायर एंड आर के बीच में प्लॉट किया जाता है उसको हम कहते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व तो आप हाँ देख सकते हैं ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन थ्री ईयर के लिए है और इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया था जहां पर वैल्यू नेगेटिव में गई थी वो थ्री ईयरस के लिए रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व था इन कर्व को इजीली हम ड्रॉ कर सकते हैं आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं और ये कर्व हमें बता रहे हैं कि न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन्स की पाए जाने की संभावना मैक्सिमम होती है तो जैसे जैसे जो न्यूक्लियस है वहां पर हमेशा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाए इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी और दूर जाएंगे कम होगी और दूर जाएंगे इस तरीके से हर एक ऑर्बिटल के केस में अलग-अलग रेडियल प्रोबेबिलिटी होती है डिस्ट्रीब्यूशन सो थैंक यू वेरी मच इन विल ट्राई टू डिस्कस एस्पेक्ट्स ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर सो थैंक यू वेरी मच